कानपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर नागल के साधारण सिर के पास आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में सहारनपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, उनकी पत्नी व साली की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि व्यापारी का बेटा गंभीर घायल हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब व्यापारी अशोक सलूजा अपनी पत्नी, बेटे व साले के साथ फरीदाबाद से एक रस्म पगड़ी से वापस सहारनपुर लौट रहे थे। नागल पहुंचने के बाद अचानक उनकी कार से धुआं उठा, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर हाईवे की एक पुलिया से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में अशोक सलूजा, उनकी पत्नी व साली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट निशांत गुप्ता। ये थाना नागल क्षेत्र में आज सुबह की घटना है, जिसमें कि एक ब्रेजा गाड़ी में कुछ लोग फरीदाबाद से आ रहे थे सहारनपुर की तरफ, वहीं पर ये शायद इनकी किसी कारणवश आग लगने कारण या जो भी है वो पुलिया से उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसमें कि तीन लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है और दो लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सर, एक ही परिवार के थे जिनकी मृत्यु? ये अभी तक जो है एक ही परिवार के ही हैं, ये आ रहे थे, यहीं के रहने वाले हैं। ये हकीकत नगर पड़ता है सहारनपुर में, वहाँ के ये रहने वाले हैं, और इनमें से तीन जो हैं पुरुष, उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।